दोस्तों, अगर आपने भी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, इसके बाद आपको पता चला है सबमिट करने के बाद कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो आपको पता ही होगा इसमें करेक्शन की डेट तो दे रखी है, लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इसमें क्या क्या चीजें करेक्शन हो सकती है और किस तरीके से आपको करेक्शन की प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी, साथ में करेक्शन की फीस वगैरह कितनी कटने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या चीजें आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, कितनी क्या फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ डेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहां पर ओपनिंग डेट लिखी हुई, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब इसकी क्लोजिंग डेट है, साथ में यहाँ पर एक करेक्शन विंडो से रिलेटेड जानकारी दे रखी है, भैया 20 तारीख से लेकर 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भैया एक नोट भी लिख रखा है, डिटेल्स फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था उसकी डिटेल्स वगैरह को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, और जो भी आपने अपनी आरआरबी की पोस्ट को सिलेक्ट किया था, मतलब डिवीजन को सिलेक्ट किया था, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझा देता हूँ, लेकिन आगे की डिटेल्स को बताने से पहले दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ, कई कैंडिडेट यहाँ पर ये सोच रहे होंगे भैया एक फॉर्म में मेरी अगर कोई मिस्टेक हो गई है और वो करेक्शन नहीं हो पा रही, तो क्या यहाँ पर मैं मल्टीपल फॉर्म को यानी कि दूसरे फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। तो इसके लिए इसके पेज नंबर 3 पर 1.5 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने ये बता रखा है, कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट द सीएएन will be summarily rejected and will not be derived from all future examination of RRB and railway requirement cells. तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बता दिया भैया अगर कोई भी कैंडिडेट ने एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने की कोशिश की है तो उसके सभी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और आगे फ्यूचर में भी जो भी रेलवे एग्जामिनेशन वगैरह करवाएगी आरआरसी के थ्रू या फिर आरआरबी के थ्रू, तो वो कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं दे पाएगा वो कैंडिडेट जिसने यहाँ पर दो बार फॉर्म को फिल करने की कोशिश की है या फिर 3 बार फॉर्म को फिल करने की कोशिश की है, मतलब एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने की कोशिश की है। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद मतलब फॉर्म को फिल करने की कोशिश की है विथ माइनर चेंजेस, यानी कि छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद ऑफ इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन में छोटे मोटे चेंजेस वगैरह करने के बाद, एंड और फैक्ट टू मोर देन वन रेलवे एंड मल्टीपल एप्लीकेशन सेम रेलवे विल बी समरी रिजेक्टेड एंड सच कैंडिडेट विल डिराइव फॉर ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन आरआरबी एंड आरआरसी। वही जो मैंने ऊपर बताया आपको कि भैया अगर आपने छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद भी माइनर से चेंजेस करने के बाद भी मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट किया है तो आपके सभी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आरआरबी या फिर आरआरसी में, और आप कोई भी एग्जाम आगे फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे। तो आप भैया यहाँ पर दो बार फॉर्म तो फिल नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दे रखी है इसके पेज नंबर 14 पे, जिसमें आपको 15 नंबर पॉइंट पढ़ना है, यहाँ पर काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं 15 नंबर पॉइंट के अंदर भी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता रखा है भैया जो भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, मतलब जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जब आप अपना क्रिएट एन अकाउंट वाले पहले स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि आपका नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, जेंडर हुआ आपका, पिताजी का नाम, माताजी का नाम हुआ, आधार कार्ड नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुई, मोबाइल नंबर हुआ, और जो भी नेशनलिटी और ऊपर की चीजें आपने सेलेक्ट की हैं, इन डिटेल्स में आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। जब भी करेक्शन की डेट आएगी उस टाइम भी आप चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल करनी थी, जैसे कि इन्होंने पहले ही बता दिया था भैया आपकी 10th की मार्कशीट से आपको अपना नाम फिल करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, आपके पिताजी और माताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बता रखा है भैया आरआरबी जो भी आपने सेलेक्ट की है, यानी कि जो भी आपने डिवीजन वगैरह सेलेक्ट की है, वो भी आप चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। और बाकी सभी डिटेल्स में आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपये यहाँ पर पेमेंट कटवानी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि एक बार आपने एक बार चार्ज कटवा दिया है उसके बाद आपका करेक्शन की प्रोसेस खुल जाएगी। इनसे बची हुई जो भी डिटेल्स में आप करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर पाएंगे। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया मैं तो एससी एसटी कैटेगरी में हूँ तो क्या मेरी फीस कम कटेगी, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट बने रहे आपको यहाँ पर 250 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि बी वाले पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। अब कई ये बोलेंगे भैया मैंने अपने पुराने फॉर्म में कैटेगरी सेलेक्ट कर दी थी, जो वो मैंने गलती से एससी कर दी थी, या फिर मैं ओबीसी में आता हूँ या फिर मैं जनरल में आता हूँ, मैंने गलती से एससी कर दी थी, तो मैं क्या यहाँ पर कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप यहाँ पर कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी जिसमें आपकी फीस कम कट रही थी, तो आप यहाँ पर जो आप दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिसमें फीस आपकी ज्यादा कट रही होगी, तो जो बची हुई फीस का डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए आपने 250 रुपये पहले पेमेंट कर दी और किसी भी कैटेगरी में 550 या फिर 500 रुपये कट रहा था, आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो बची हुई फीस है वो भी यहाँ पर देनी पड़ेगी, साथ में जो भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन चार्ज लग रहा है 250 रुपये वो भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो मतलब 250 और बचा हुआ जो भी यहाँ पर
डिफरेंस आता है फीस का, वो भी आपको पे करने के बाद ही आप यहाँ पर कैटेगरी वगैरह चेंज कर पाएंगे। कई लोग दोस्तों यहाँ पर ये भी बोलेंगे भैया मैं यहाँ पर कितने बार चेंज कर पाऊंगा, मतलब एक बार मैंने फीस पेमेंट कर दी तो मैं एक बार चेंज कर लूंगा, इसके बाद फिर भी मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह रह जाती है तो यहाँ पर क्या मैं दोबारा से चेंज कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा से चेंजेस वगैरह कर पाएंगे, लेकिन आपको दोबारा से फीस कटवानी पड़ेगी। जो भी यहाँ पर करेक्शन का चार्ज कट रहा है 250 रुपए, वो आपको यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपके सामने दोबारा से करेक्शन की प्रोसेस खुल जाएगी, यानी कि आप दोबारा से चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर माता जी पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो उसको क्या मैं करेक्शन वगैरह कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? तो जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस में बता दिया है कि भैया जो भी आपने क्रिएट एन अकाउंट में डिटेल्स वगैरह फिल किया उसमें आप चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पर 2.1 नंबर जो पॉइंट है उसमें इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भैया जो भी आपने इस फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ फिल की है वो अगर आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करती हुई नहीं पाई जाती है तो आगे चल के आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट के नाम के लिए, उनकी माता जी के नाम के लिए, पिताजी के नाम के लिए ये नहीं बता रखा है कि आगे चल के उनका फॉर्म डिस्क्वालीफाई वगैरह किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है इनको आगे फ्यूचर में एफिडेविट वगैरह कोई ऑप्शन दे दिया जाए या फिर करेक्शन के कुछ और ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे कि उनको लगेगा भैया उनके कैंडिडेट के नाम में ज्यादा कुछ समस्या आ रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो एफिडेविट लगाने का या फिर वहां पर भी करेक्शन करने का कुछ प्रोसेस वगैरह लेकर आ जाए, जिसके थ्रू आप अपने नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी सभी चीजों में करेक्शन वगैरह कर सकें। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए तो इन्होंने भैया साफ साफ बता रखा है आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती है। तो दोस्तों यही जानकारी थी, इसमें करेक्शन से रिलेटेड फीस मैंने बता दी है, करेक्शन की डेट वगैरह मैंने बता दी है और बता दिए क्या क्या आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो और जानकारी वगैरह पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।